फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आटे की बर्फी कुछ अलग तरीके से। तो ये देखिए, कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल नहीं, अभी कुछ नहीं डाला कढ़ाई में, और इसमें हमने आटा डाल दिया। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखो, ये आटा डाल रखा है, इसको अच्छे से भून लेना है। ये देखो, भूनना इस तरीके से, इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा, है ना मम्मी? नीचे ना लगे इसलिए इसको चलाते रहना है। इसका थोड़ा ब्राउन कलर हो जाए ना, तब गैस को बंद कर देंगे। तो मिलते हैं फिर इसको ये भून के। फ्रेंड्स, जब तक मम्मी आटे को अच्छे तरीके से भून रहे हैं, तब तक हम जो है और चीज़ें हैं उनको काट लेते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा नारियल या खोपा जिसको बोलते हैं, इसको काट लेंगे। और साथ में हमारे पास कुछ किशमिश है, इनको भी थोड़ा थोड़ा काट देंगे, दो दो टुकड़े कर देंगे। और साथ में हमारे पास ये भी है सौंठ पाउडर या ड्राई जिंजर पाउडर भी जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें हम डालेंगे। पाउडर के फॉर्म में होता है। तो चलो इसको पहले काट लेते हैं। किशमिश कट के रेडी हो चुके हैं और हमारा खोपा भी जो है वो अच्छे से कट चुका है। इस तरीके से इसको काट लेंगे। और ये हमारा सौंठ का पाउडर यहाँ पर रखा है। हमारा आटा भी अब बुन चुका है ना मम्मी? बन गया। और इस पर थाली में जो पलट लेंगे आटे को। ये देखो, हमने पलट लिया सारा आटा इसमें नीचे। ये देखो, हमारा आटा जो है ऐसा है, कुछ कलर इसका ऐसा हो जाना चाहिए, तभी भुन जाएगा। भुन चुका है अच्छे से। अब बनाएंगे हम गुड़ की चाशनी। ये रखा हमारा गुड़, अभी इसकी चाशनी बनाएंगे। और ये हमारा सौंठ पाउडर, अब इसको इसमें मिक्स करेंगे। अब आप सब लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि इसमें हल्दी भी पड़ने वाली है। ये देखिए, इतनी हल्दी कम से कम ले लेनी हमें। ये इतनी हल्दी हमने ले लिए 1 किलो आटे के लिए। इस हल्दी को थोड़ा सा पानी से सान लेंगे, जैसे आटे को सानते हैं ना, वैसे थोड़ा सा इसको गीला करके लेंगे, जैसे आटे को भूनते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने अपनी हल्दी जो है सान करके तैयार कर ली है, बिल्कुल सॉफ्ट है आटे की तरह। अब चलिए आगे जला लिए हमने। अब इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। कम से कम 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। अब इस सौंठ को भी हल्दी की तरह ही गूंद लेंगे, जैसे हमने इस हल्दी को गूंद के रखा था, उसी तरीके सौंठ को भी गूंद लेंगे। और हमारा तेल जो है गर्म हो रहा है यहाँ पर। अब इसी सरसों के तेल में हम हल्दी को डाल देंगे। देखिए, हल्दी का पकौड़ा सा बन रखा है, जो कि फ्राई हो रहा है। अभी हल्दी पक जाएगी, फिर इसमें सौंठ डालेंगे। इधर हमारे यहाँ ये सौंठ का पाउडर भी जो है, हमने हल्दी की तरह इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए, हमारी हल्दी किस तरह से पक रही है, पकौड़े की तरह बिल्कुल। इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि बिल्कुल भी कच्ची ना रह जाए। अब इसको हम छोड़ देंगे तेल में। हल्दी के पकौड़े को फोड़ लिया था, अब इसी में हमने सौंठ वाला भी वो डाल दिया हमने मिक्सचर। अब इसको भी अच्छे तरीके से पका लेंगे इसी में। देखो, इसमें इसको मिक्स कर लिया। ये तो बस ऐसा लग रहा है कि सब्जी का मसाला तैयार हो गया और अब इसमें जो है सब्जी डालनी रहेगी, पर बन रही है मिठाई है ना? बहुत हेल्दी मिठाई है ये। अगर सर्दियों में इसको बना के खाओ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, है ना? खांसी जुकाम ठंड नहीं लगेगी। अच्छे से इसको पका लेंगे हम भून भून के। अब इसमें हम पानी डालेंगे 1 गिलास करीब। एक और ग्लास इसमें पानी डाल देंगे। कैसा हो गया? बड़ी बड़ी 3 से
चार ग्लास हमने इसमें पानी डाला है और अब इस पानी को थोड़ा अच्छे से उबाल लेंगे। अब इसी उसमें हम अपना गुड़ डाल लेंगे, कम से कम लगभग आधा किलो गुड़ जो है इसमें हमने डाल दिया है। आप जितना मीठा खाते हो उस हिसाब से डालें। ये देखिए अब हमारा पानी जो है वो खोलने लग गया है और इसको अच्छे से हम मिला देंगे। ये देखिए कुछ ऐसा बन चुका है हमारा। तो हमारा ये जलाव जो है गुड़ वाला हल्दी और सौंठ का जो है पक चुका है। अब इसको हम जो है डालेंगे अपने आटे में। अब इसको हम डाल देंगे दोस्तों अपने आटे वाले उसमें। ये सारा ही डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा बचा लिया थोड़ा बाद में डालेंगे, अभी इतना ही मिक्स करेंगे पहले। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस टाइम पर ये कितना गर्म होगा, ये देखिए कितना धुआं निकल रहा है इसमें से। अब देखिए दोस्तों इसको हम जो है अपने हाथ से मलेंगे, तो काफ़ी सावधानी से मलना होगा क्योंकि धुआं अभी भी निकल ही रहा है इसमें से, अभी भी बहुत गर्म है ये। तो अभी पहले हम इसको अभी चम्मच की मदद से ही मिलाएंगे, थोड़ी देर में इसको हाथ से भी करना पड़ेगा तभी अच्छे से मिक्स होगा। एक बर्तन में दोस्तों हम थोड़ा सा तेल डाल के उसको जो है ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा तेल लगा लेंगे इसमें ताकि जब हम इसमें ये बर्फ़ी को जमाएं तो ये बिल्कुल भी इसमें चिपके ना। ज़्यादा डाल दिया। ये देखिए दोस्तों हमने पूरे बर्तन में जो है तेल लगा लिया है। अब मम्मी इसको जो है हाथ से मसलना शुरू कर रही है, काफ़ी गर्म है पर ये हाथ से मसला जाएगा तभी बन पाएगा अच्छे से, नहीं तो ये अच्छे से नहीं बन पाएगा। ये देखिए ऐसे मसल मसल के थोड़ा थोड़ा हम इसे दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे, फिर इसको हम जमा देंगे अच्छे से प्रेस करके, बिल्कुल दबा दबा के ऐसे करते जाए, ऐसे ऐसे इसको हम फैलाते जाएंगे पूरे उसमें। बहुत गर्म है ये, ये देखिए पूरे बर्तन में ऐसे ये देखिए दोस्तों हमने अपने आटे की जो है बर्फ़ी तैयार कर ली है। एक थाली में ये है और एक थाली में ये रही, और यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ था उसके हमने इस लंबे जो हमने लड्डू से बना लिए हैं। ये देखिए अरे हम फोटो खींच रहे हैं वहाँ पर ना, ऐसे कर रहे हो बताओ या नहीं कि दो मिनट रुक जाए ही भाई। कैसे ऐसे बराबर नहीं बराबर कहते हैं। तो हमारा ये जलाव जो है गुड़ वाला हल्दी और सौंठ का जो है हर पक चुका है। अब इसको हम जो है डालेंगे अपने आटे में। अब इसको हम डाल देंगे दोस्तों अपने आटे वाले उसमें। ये सारा ही डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा बचा लिया थोड़ा बाद में डालेंगे, अभी इतना ही मिक्स करेंगे पहले। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मुझे बहुत बढ़िया तैयार होता है बनके, एकदम बिल्कुल मिठाई जैसा लगेगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है ये खाने में। गरम होता है तो इसलिए काफ़ी ध्यान से इसको मिलाना चाहिए, तो हम चम्मच की मदद से मिला रहे हैं इसको। ये देखो दोस्तों बाकी का जो बचा था वो भी हम डाल रहे हैं। अब धीरे धीरे करके डालेंगे, एकदम नहीं डालेंगे नहीं तो उसमें गांठे पड़ जाएंगी। धीरे धीरे देखिए अब भाप निकल रही है इसमें से,
इससे आप पता लगा सकते हैं कि इस टाइम पर ये कितना गर्म होगा। ये देखिए कितना धुआं निकल रहा है इसमें से। अब देखिए दोस्तों, इसको हम जो है अपने हाथ से मलेंगे, तो काफ़ी सावधानी से मलना होगा क्योंकि धुआं अभी भी निकल ही रहा है इसमें से, अभी भी बहुत गर्म है ये। तो अभी पहले हम इसको अभी चम्मच की मदद से ही मिलाएंगे, थोड़ी देर में इसको हाथ से भी करना पड़ेगा तभी अच्छे से मिक्स होगा। एक बर्तन में दोस्तों हम थोड़ा सा तेल डाल के उसको जो है ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा तेल लगा लेंगे इसमें, ताकि जब हम इसमें ये बर्फ़ी को जमाएं तो ये बिल्कुल भी इसमें चिपके ना। ज़्यादा डाल दिया। ये देखिए दोस्तों, हमने पूरे बर्तन में जो है तेल लगा लिया है। अब मम्मी इसको जो है हाथ से मसलना शुरू कर रही है, काफ़ी गर्म है पर ये हाथ से मसला जाएगा तभी बन पाएगा अच्छे से, नहीं तो ये अच्छे से नहीं बन पाएगा। ये देखिए ऐसे मसल मसल के थोड़ा थोड़ा हम इसे दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे, फिर इसको हम जमा देंगे अच्छे से प्रेस करके, बिल्कुल दबा दबा के ऐसे करते जाएंगे, ऐसे ऐसे इसको हम फैलाते जाएंगे पूरे उसमें। बहुत गर्म है ये, देखिए पूरे बर्तन में ऐसे बराबर बराबर। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने आटे की जो है बर्फी तैयार कर ली है। एक थाली में ये है और एक थाली में ये रही, और यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ था उसके हमने इस लंबे जो हमने लड्डू से बना लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो है आटे की बर्फी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। अब आती है इस बारी इसको कट करने की, तो इसके हम पीसेस कट कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए बिल्कुल पीस में कटेगी ये। ये देखिए दोस्तों, काजू कतली की तरह एकदम परफेक्ट डायमंड पीस में हमारी मिठाई कटी है, और ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में, तो आप भी इसको घर पे बना सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हर एक पीस देखिए कितना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।